सो गाइस, हमारी इंटरवर्क आज एक्सीडेंट हो गई। दिख लीजिए, यहाँ पे टू स्क्रैच आ गया, यहाँ पे टूट गई, इधर का जो स्क्रू पे टूट गई। तो गाइस, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो आपका गाड़ी का कोई पार्ट्स टूट गए तो आप शोरूम में जाके कैसे इसका क्लेम कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस देखिए, और हम इसको ले कर जा रहे हैं TBS के शोरूम पर। तो गाइस चलिए शोरूम पे जाते हैं, प्रोसेस ब्लॉक आपको बताएंगे। तो गाइस, शोरूम जाने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट से आपका बाइक का ऑल पेपर्स, और आपका बाइक का जो ब्लू बुक होती है वो, और आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है। आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो आपका पापा का ले जाना पड़ेगा, और आपको आपका पापा को भी ले जाना पड़ेगा शोरूम पे। एक फॉर्म फिल करने से वहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो गाइस, हम लोग शोरूम की तरफ जा रही है। हमारे घर से शोरूम डिस्टेंस पड़ते हैं 35 किलोमीटर। तो गाइस, शोरूम में जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और हमारा वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है आप लोग कमेंट करके बताना जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं। तो गाइस, हमारी एंटोक ये जो चाबी का लॉक है ना, इसके ऊपर जो बॉर्डर रहती है ये टूट गई, साइड में पैनल का कुछ स्क्रैच आ गई, फट गई। तो गाइस, शोरूम पे कॉल किया है, वो लोग बोला जा शोरूम पे आ जाओ और हम लोग इंश्योरेंस क्लेम कर देते हैं। तो गाइस, हमारे कोई अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हूँ, बनाने के लिए दिया हूँ तो अभी तक नहीं आए, तो इसलिए मेरे पापा की ड्राइविंग लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, पूरा प्रोसेस देखिए, हम पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो गाइस, हमारी शोरूम जाने 1 आवर्स तो लग ही गया। तो गाइस, हम लोग TBS एंडोर की TBS की शोरूम में आ गई हूँ। और शोरूम पे जाके आप कैसे एक्सीडेंट हुआ था उसको सब बताना पड़ेगा, और एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आदमी आएगा ऊपर से जो जिस कंपनी से इंश्योरेंस है, और उसके बाद क्लेम हो जाएगा। वहाँ से 2 से 3 दिन बाइक छोड़ देने के बाद आपको बाइक मिलेगी, ठीक है। हमारे 2 से 3 दिन लगा था, उसके बाद हमारे 50% क्लेम आए थे, 2000 रुपीज़ का हमारे क्लेम है, 1000 रुपीज़ दिया उन लोग ने, और हमारा पे करने पड़े 1000 रुपीज़। तो गाइज, देख लीजिए कैसे कैसे पार्ट चेंज हुआ है हमारी। तो गाइज, पहला वीडियो देख लीजिए, ये वाला पार्ट पूरा स्क्रैच था, यहाँ पे स्क्रैच था, ये वाला पार्ट पूरा स्क्रैच था, यहाँ पे टूट गई थी। तो ये वाला पार्ट पूरा चेंज हो गया हमारी, और ये साइड पैनल भी चेंज हुआ, ठीक है। इस दोनों पार्ट चेंज करने के लिए 2000 लगा, उसके हम 50% दिया इंश्योरेंस वाले ने, हमारी देने पर अब 1000 रुपीज़, 50% रुपीज़, ठीक है। और आप लोग जब एक्सीडेंट करेंगे उसका तुरंत शोरूम पे कॉल करके बताना पड़ता है जो हमारा एक्सीडेंट हो गई, हम लोग इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो गाइस, ये पूरा प्रोसेस है। तो हमारी
बाइक मिला 2 से 3 दिन के बाद। आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पापा का ले जा सकते हो, और पापा को भी ले जाना पड़ेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस इनके लेते हो तो ठीक है। तो गाइस यही था आज का पूरा प्रोसेस। हमारी एंटर की 3 दिन लगा वहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स अवेलेबल है तो 2 दिन से हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ये वाला पार्ट पूरा चेंज हुआ हमारी। आप लोग का जो नए है तो आप लोगों का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो कुछ थोड़ा मोड़ा टूट गए तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के भाग जाते हो तो सब्सक्राइब कर लो।